फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं हम बाबा महाकाल के नाम से। तो बोलो जय श्री महाकाल दोस्तों। और पिछली वीडियो में दोस्तों हमने वीडियो यहीं एंड कर दी थी, और अब जो है आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आज जो है हम अभी रेडी हो चुके हैं, पोखरा घूमेंगे अच्छे से, और फिर जो जो वहाँ पर सारी चीज़ें है देखने के लिए वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे, और आप लोगों को भी दिखाएंगे कि वहाँ पे पोखरा में घूमने के लिए सबसे बेस्ट जगह कौन कौन सी है, क्या है वहाँ, किस तरीके का लेक वगैरह, सारे लेक वगैरह और काफ़ी सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए। तो अब जो है यहाँ से हम चलते हैं आगे। तो चलो दोस्तों चलते हैं। हाँ तो दोस्तों जो है हम इस समय रूम से निकले हैं अब थोड़ा पोखरा घूमने के लिए, और जो हमारे भाई का कुछ गोप्रोस वगैरह में कुछ प्रॉब्लम आ गई है उसे दिखाने के लिए हमें यहाँ से करीबन 3 किलोमीटर जाना है। वहाँ हम उसको थोड़ा चेकअप करवाएंगे कि आखिर क्या इश्यू है, क्या प्रॉब्लम है। और फिर जो है हमारे भैया जो है जस्सी भैया वो पीछे है, वो जैसे ही आते हैं फिर आगे की लेक वगैरह की ओर हम जो है चलेंगे। दोस्तों इस समय जो है हम पोखरा भ्रमण पर निकले हैं और देख रहे हैं यहाँ पे पोखरा में क्या देख सकते हो आप, और आप भी देख पा रहे होंगे वीडियो में कि क्या है पोखरा में। काफ़ी सारी जाना किधर है, सब कुछ है। रियली कंफ्यूज करते हो यार भाई कि पोखरा का नज़ारा किस तरीके से है। नज़ारा है हाँ। तो दोस्तों ये जो लेक है इसका नाम क्या, अनंत चौक करके कोई लेक है, हमें भी कंफर्म नहीं हो पाया कि क्या नाम है आखिर। तो जो है ये टिकट यहाँ से ले सकते हो, और टिकट यहाँ ये लेक का नज़ारा है, और लेक पे जो है काफ़ी अच्छी हवा चल रही है बोटिंग वगैरह के लिए, नाव वगैरह से काफ़ी अच्छा सीन वगैरह है। ये इस तरीके का लेक बना हुआ है यहाँ पे बीच में, और राइट साइड जो आप देख रहे होंगे ये वाटर है। अंधेरा हो गया अभी तो सही नज़र नहीं आएगा आप लोगों को, पर डे में काफ़ी अच्छा नज़ारा होता है यार। हाँ तो दोस्तों इस समय जो है हम परमिशन ऑफिस आए हैं मुक्तिनाथ जाने के लिए। जो है हमें परमिशन लेना होता है, तो कुछ फॉर्म वगैरह मिला है हमें यहाँ परमिशन लेने आए थे, तो ये
तो इस तरीके का फॉर्म है जो हमें फिलअप करना है, कंप्लीट करना है फ़ोटो वगैरह के साथ, और पर पर्सन के करीबन 1000 रुपये पर व्यक्ति के बताया, मतलब एक जन के 1000 रुपये परमिशन के लिए। और हम जो है 3 लोग हैं, तो हमारे 3 लोगों का जो है 3000 पे होगा। इसमें फॉर्म को फिलअप करके हम लोगों को जो है फ़ोटोज़ वगैरह सारा उसमें अप्लाई करके, और फिर 2 बजे बाद हम लोगों को कहा कि अभी लंच हो चुका है उनका, तो उन लोगों ने हमको ये बताया कि आप 2 बजे बाद फॉर्म कंप्लीट करके आइए, फिर सबमिट कराइए। तो फिर हम जो है अभी फॉर्म वगैरह सारा कंप्लीट करते हैं और फिर यहाँ ऑफिस में परमिशन लेते हैं, और उसके बाद जो है कि हम प्लान करेंगे कल निकलने का प्लान, क्योंकि आज तो काफ़ी लेट हो चुके हैं, इसलिए यही कि आज नहीं हम कल निकलेंगे। और ये देख पा रहे होंगे आप कि हमारे पीछे ये पर्यटन बोर्ड, मतलब ये ऑफिस है वहाँ का, आप भी अगर देख पा रहे हो वीडियो में। तो चलो आप अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं पूरी। हाँ तो दोस्तों, आप लोगों को मैंने बताया था कि हमें 2 बजे का टाइम दिया गया था फॉर्म सबमिट करने के लिए, तो हम लोगों ने 2 बजे के समथिंग अभी टाइम हुआ और हमने फॉर्म सबमिट किया, तो हम लोगों को जो है परमिशन मिल चुका है मुक्तिनाथ जाने का। तो ये जो परमिशन है, कल जो है यहाँ से निकलने वाले हैं मॉर्निंग में। तो अभी तो फ़िलहाल में प्लान यही है कि हम लोग जो है थोड़ा बहुत पोखरा एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद जो है कल मॉर्निंग में ही निकलेंगे। तो चलो अब चलते हैं। हाँ तो दोस्तों, ये जो टेंपल्स है, कई पोखरा का फेमस शिव टेंपल्स करके है, लॉर्ड ऑफ शिवा, और ये देख पा रहे हैं पोखरा, यहाँ से पूरा नज़र आता है पोखरा। तो ये देख रहे होंगे आप सामने शिवा टेंपल से पोखरा, पोखरा सिटी, और जो इनके आइट साइड जो गणेश जी चक्कर लगा रहे हैं वो लिंग वगैरह बने हुए हैं ये सारे मंदिर के, पूरे गोल आकार में पूरी तरफ बने हुए वो है ये शिव जी टेंपल्स, और ये पूरा मतलब पूरे गोल ग्राउंड में बने हुए हैं। आपने देखा होगा शिवा द टेम्पल्स आए थे हम और यहाँ पे घूमा अच्छे से, शॉट वगैरह आप लोगों ने भी देखे होंगे, काफ़ी अच्छा लगा हमारे महादेव के पास हम लोगों को आके। और जो है अब यहाँ से दर्शन करने के बाद जो है दीजिए है हमारे परम भक्त, देख पा रहे होंगे आप गणेश जी जो शिव जी के चक्कर लगा रहे हैं, और जैसे भी क्या कहना चाहोगे आप, शानदार कैसा लगा? शानदार सर, हम लोगों को तो काफी मस्त जगह, और विजिट मतलब आ रहे हो तो विजिट जरूर करना, छोड़ना नहीं। हाँ तो दोस्तों, एक ऐसी लोकेशन आ चुकी है जहाँ से लगभग लगता है कि सारी पोखरा सिटी, जो नेपाल की पोखरा सिटी है, वो सारी दिखती है। अगर आप लोग देख पा रहे हो, अगर आप लोग देख पा रहे हो वीडियो में, जहाँ से लगभग लगता है कि सारी पोखरा सिटी दिखती है, और काफ़ी अच्छी सिटी लग रही है यहाँ से। तो दोस्तों, ये यहाँ पर फ्यूल पम्प इस तरीके का होता है, और यहाँ पर करीबन फ्यूल क्रेट
1.5 पर लीटर होता है पानी, मतलब हमारी इंडिया की करेंसी के हिसाब से मतलब वही होता है नॉर्मली। और डीजल के भाव के कारण यहाँ तरीके का होता है। दोस्तों आप हमारे पीछे देख रहे हैं गुप्तेश्वर महादेव है पोखरा सिटी के अंदर, तो गुफा है उन्होंने भी कभी देखा नहीं है ये, तो वो जो गुफा है दोस्तों वहाँ अंदर की ओर है, वो हमें इधर पूरा राउंड घूम के जो है अंदर जाना होगा। तो दोस्तों जो है हम अपने होटल आ चुके हैं, और आपने देखा होगा कि आज जो हम पोखरा घूमे थे अच्छे से, और सबसे पहले तो हमने हम मुक्तिनाथ जी के लिए जो परमिट था परमिट लिया, और उसके बाद फिर थोड़ा सा पोखरा वगैरह घूमे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले दोस्तों, और चैनल बनाया हुआ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलो दोस्तों मिलते हैं नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।